क्लास सेकेंड ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर फिफ्टी सेवन तो बच्चा पेज नंबर फिफ्टी सेवन में आज करेंगे शॉर्ट्स फॉर्म शॉर्ट्स फॉर्म क्या होती हैं आज देखेंगे लुक एट द पिक्चर एंड टिक द राइट आंसर सही आंसर पर आपको टिक लगाना है ओके दिस इज टैडी यस इट इज़ नो इट नॉट इजेंट ओके हाँ तो ये टैडी है तो आपने यस पे लगाएंगे इट इज़ बर्ड ये बर्ड का पिक्चर है तो बर्ड का तो नहीं है तो हमने लिखा नो इजेंट ओके इज दिस अ ट्रक यस इट इज नो ये ट्रक का पिक्चर नहीं है तो हमने लिखा नो इजेंट इज दिस बुक यस इट इज इज दिस अ बैलून यस इट इज इज दिस अ डॉग नो इजेंट वी ऑफ्टन यूज शॉर्ट फॉर्म्स वेन वी स्पीक और वैन वी राइट टू फ्रेंड्स फॉर एग्ज़ाम्पल वी ऑफ्टन से ही इज़ बिजी ही इज़ बिजी रैदर ही इज़ बिजी देखिए हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ लिखने में करते हैं और जब हम बोलते हैं तब करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है हीज़ तो हीज़ का मतलब होगा ही इज को हमने हीज में लिखा आगे देखते हैं अब आपके पास है नाउ टेक आ नॉट फॉफ शॉर्ट फॉर्म्स डेट है आपके पास फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म और इनके सेंटेंसेस है आई एम आई एम का फुल फॉर्म है शॉर्ट में कैसे हो गया आई फॉर कॉमा और सिर्फ एम तो आई एम वेरी बिजी एग्जाम्पल ही इसको कैसे लिख रखा शॉर्ट फॉर्म में ही कॉमा तो इसका एग्जाम्पल ही साउटिंग शी को शी और एस करके कॉमा करके एस इट इज को इट और उसके आगे कॉमा करके एस यानी कि एपेस्टॉपिक लगा के यू आर यूस्टॉपिक आर ई वी आर वी apostrophic आर ई दे आर दे आर अपेस्टॉपिक आर ए आई विल आई और अपेस्टॉपिक डबल एट तो आपके पास भी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं हमको ये क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इन्होंने फुल फॉर्म में लिख रखा है जैसे आई एम डूइंग अ ग्रामर एक्सरसाइज एट द मोमेंट तो आई एम को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दोबारा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आई अपेस्टॉपिक एम डूइंग अ ग्रामर एक्सरसाइज इन द मोमेंट अब इसी प्रकार से अपनी नोटबुक निकालिए नोटबुक में करते हैं हम सेकेंड से ही इज माई ब्रदर तो ही इसका क्या हो जाएगा शॉर्ट में ही इज इज माई ब्रदर सेकेंड वी आर गोइंग टू अ सिंगापुर बाय एरोप्लेन तो वी आर का वी आर गोइंग टू सिंगापुर बाय एरोप्लेन टुमारो इट इज वेरी हॉट तो इट्स वेरी हॉट यू आर लेट

अपेस्टॉपिक डबल एल रिटर्न द सीडियस टुमारो आई एम डूइंग माई होमवर्क टू आई एम अपेस्टॉपिक लगा के केवल आई और एम डूइंग माई होमवर्क टमारो तो इस प्रकार से इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है तो आपने क्या करना बच्चों ये एक्सरसाइज तो आप करोगे अपनी नोटबुक में आपको यहाँ से फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म याद करनी है ये आप अपनी नोटबुक में भी लिखोगे इन्हें कि अपनी कॉपी में भी लिखोगे किस प्रकार से आई एम का शॉर्ट में एम लिखते हैं शीज़ को सीज लिखते हैं शी इज़ को सीज लिखते हैं इट इज को इट्स लिखते हैं यू आर को यूर यू आर लिखते हैं वी आर यस तो ये आपको लर्न करना है और बाकी आपको ये अपनी नोटबुक में करना है तो अभी हम इतना ही करेंगे इसकी जो बाकी के एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके